अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त आबिद शहजाद। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $20,000 तक आप लोग भी एक मंथ में अर्निंग कर सकते हैं। अब ये मैं आप लोगों को सिर्फ अर्निंग नहीं दिखा रहा हूँ, व्यूज भी आप लोगों को दिखाऊंगा टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। कितने ज्यादा उसके ऊपर व्यूज आते हैं और यूके अकाउंट कितने दिन पहले हम लोगों ने बनाया और कितनी जल्दी हमने उस अकाउंट को ग्रो किया और अब उसके ऊपर कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ। आप लोगों को पता है मेरा काम ये है, मैंने US अकाउंट बनाए हैं, UK अकाउंट बनाए हैं, पाकिस्तानी अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँ, अगर आप टिकटॉक से अर्निंग करना चाहते हैं, टिकटॉक को पाकिस्तान में बैठकर मोनेटाइज करना चाहते हैं और टिकटॉक मोनेटाइजेशन से आप लोग डॉलर अर्न करना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग अपना पेमेंट वगैरह भी रिसीव करेंगे, पाकिस्तान में रहते हुए खुद आप लोग अपना टिकटॉक अकाउंट रन करके इससे आप लोग लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मोबाइल फोन के ऊपर जाकर अकाउंट भी दिखाऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं सब कुछ आप लोगों को समझा दूंगा। उसके बाद आप लोगों को मुकम्मल तरीका गाइड करूंगा कि टिकटॉक अकाउंट आप लोगों ने कैसे बनाना है। टिकटॉक अकाउंट बनाने का, यूके अकाउंट बनाने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके ऊपर हमने काफी टिकटॉक अकाउंट ग्रो किए हैं, काफी टिकटॉक अकाउंट से हमने अर्निंग ली है, ठीक है। सब कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूं और उसके बाद आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि बाद में आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका जो टिकटॉक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है, वो गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी है। और उसके बाद इंशाल्लाह आज के बाद मैं प्रॉपर टिकटॉक के ऊपर जो आप लोगों को टिकटॉक की RPM कितनी है, आप लोगों ने कैसे वीडियो अपलोड करनी है और कॉपी पेस्ट कोर्स भी इंशाल्लाह टिकटॉक का भी मैं अपलोड करने वाला हूं। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइज किए, मोनेटाइज आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है, अर्निंग आप लोग कैसे लेंगे, ये सब कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर मैं जाकर सब कुछ आप लोगों को बता देता हूं कि विदाउट कोई आप लोग VPN परचेज किए या किसी से आप लोगों को कोई टिकटॉक अकाउंट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी स्मार्टफोन है आप लोग खुद उसी स्मार्टफोन में अपना UK अकाउंट बना सकते हैं और UK टिकटॉक अकाउंट बनाकर आप लोग टिकटॉक से लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं। तो इस मेथड में आप लोगों ने टिकटॉक अकाउंट को रेडी करना है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टिकटॉक अकाउंट के ऊपर कॉपी पेस्ट काम का जो है ना एक आइडिया भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कॉपी पेस्ट काम करके आप लोग टिकटॉक से अर्निंग करेंगे, ना आप लोगों ने कैमरे के सामने आना होगा, ना आप लोगों ने वॉइस रिकॉर्ड करना होगा, सब कुछ आप लोगों को डिटेल के साथ बता देता हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो यही से वीडियो को लाइक कर दें और अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहां पे ये हम लोगों ने एक टिकटॉक अकाउंट बनाया था, UK अकाउंट है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं 1.8 मिलियन इसके ऊपर व्यूज हैं, 2 लाख प्लस व्यूज हैं, 27,000 यहां पे देख सकते हैं, 3 लाख प्लस व्यूज हैं, ठीक है, ये 4 लाख प्लस व्यूज हैं इसके ऊपर। और नीचे जैसे ही आप लोग जाएंगे आप लोगों को इतने ज्यादा इसके ऊपर व्यूज नजर आते हैं, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं 5 लाख प्लस व्यूज हैं, 8 लाख प्लस इसके ऊपर व्यूज हैं, 1 लाख प्लस इसके ऊपर व्यूज हैं, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, ठीक है, ये देख सकते हैं 6 लाख 8 लाख। जैसे ही जाएंगे तो आप लोगों को 3 लाख 4 लाख इतने ज्यादा जो है ना हर वीडियो के ऊपर व्यूज नजर आते हैं, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इतना ज्यादा ओल्ड अकाउंट भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। लोगों को बताता हूँ UK अकाउंट आप लोगों ने कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आपके पास जो ओल्ड टिकटॉक अकाउंट है उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और उसको आप लोगों ने अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसी टिकटॉक अकाउंट को अनइंस्टॉल किया, आप लोगों को मेरी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने वो वाला टिकटॉक अकाउंट इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास टिकटॉक भी डाउनलोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद एक आप लोगों ने सुपर VPN ये आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सुपर VPN को आप लोगों ने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर UK वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर सेलेक्ट करके कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास UK है और नीचे आप लोगों ने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओल्ड तो हम लोगों ने अनइंस्टॉल किया, इस टिकटॉक अकाउंट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है और इस टिकटॉक अकाउंट के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन शो हो रहा है मोड सेटिंग, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, चेंज कंटेंट रीजन, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा UK का, आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों को ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके इसको मार्क कर लेना है और ये मार्क हो गया है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने दोबारा गो बैक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नीचे गो बैक का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन एक बार गो बैक के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लोज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लोज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज कर लिया और ये करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपनी जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे साइंस एंड एजुकेशन के ऊपर लगा देता हूँ
और नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट वॉचिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। यूके वाला अकाउंट है वो यहाँ तक आ गया है। आगे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और साइनअप के ऊपर क्लिक करते हैं। साइनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहला जो है यूज़ फोन और ई मेल, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके पास आपके नंबर्स आएंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर, उनके ऊपर आप लोगों ने नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और फ़ोन नंबर, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो जीबी का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, 44, मतलब हमारा जो लोकेशन है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चेंज हो चुका है। यहाँ पर ई मेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपना ई मेल इंटर कर देना है, ठीक है। ई मेल एड्रेस जो भी आप लोगों ने देना है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक बात ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पर आप लोग वो जी मेल अकाउंट देंगे जो बिल्कुल आप लोगों ने फ्रेश बनाना है। टिकटॉक अकाउंट, यूके टिकटॉक अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट बनाने से पहले आप लोग एक जो है ना जीमेल अकाउंट बनाना है फ्रेश, जिसके ऊपर पहले से कोई फेसबुक, टिकटॉक अकाउंट, किसी चीज़ का कोई अकाउंट ना बना हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना जीमेल इंटर कर दिया, ठीक है, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिए। और उसके बाद फिर आप लोगों को बता देता हूँ, पे आप लोगों ने अपना कोई भी पासवर्ड लगा देना है, ठीक है, वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया उसी जीमेल अकाउंट के ऊपर, ठीक है, जो भी आप लोगों ने जीमेल यहाँ पे एंटर किया उसके ऊपर एक पासवर्ड आएगा और उस पासवर्ड को यहाँ पे आप लोगों ने एंटर कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों वेरीफाई के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूज़र नेम लिखना है, ठीक है। मैंने आविद शहजाद ऑफिशियल सर्च किया, आप लोग मुझे इस टिकटॉक अकाउंट के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम ऐड करने के बाद हमारा जो टिकटॉक अकाउंट है यूके वाला वो क्रिएट हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं टिकटॉक रिवार्ड वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये आप लोग को पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर नहीं, सिर्फ आप लोगों को यूके अकाउंट के ऊपर मिलता है। और लाइव आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोग इस अकाउंट से लाइव भी आ सकते हैं। ना आप लोगों को यूके सिम की ज़रूरत है, ना आप लोगों को कोई RDP वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके मैं आप लोगों को मज़ीद चेक करवा देता हूँ, ठीक है। क्रिएटर टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और अब आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लोगों को डॉलर का आइकन शो हो रहा है, ठीक है। ये वाला आप लोगों को क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने इसी अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके नीचे आप जो टिकटॉक का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो भी चेक कर सकते हैं। 18 ईयर्स ओल्ड, ये तो ऑलरेडी जो है ना हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया था, ज़्यादा हमारी उम्र 18 से ज़्यादा है तो ये चेक लगा हुआ है। मज़ीद हम लोगों ने क्या करना है, 10,000 फॉलोअर कम्प्लीट करने हैं और 1,00,000 व्यूज़ हमने 30 दिन में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग ये क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे तो आप लोग अपने चैनल टिकटॉक अकाउंट को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने 7 दिन तक किसी की वीडियो को लाइक भी नहीं करना है, ना ही आप लोगों ने किसी को इस यूके अकाउंट से फॉलो करना है, ना किसी की वीडियो को सेव करना है, ना आप लोगों ने किसी को कमेंट करना है और ना ही आप लोगों ने खुद कोई वीडियो अपलोड करना है। जस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर स्क्रोलिंग करना है, ठीक है। 7-8 दिन तक आप लोग सिर्फ टिकटॉक के ऊपर स्क्रोलिंग करते रहेंगे और उसके बाद आप लोगों ने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर वर्क स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब आप लोगों को उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आ गया होगा। मज़ीद आप लोगों को अगर कोई इश्यू हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और मसला जिसने पूरे पाकिस्तान में सबको परेशान किया हुआ है, यूके अकाउंट जो आप बनाते हैं तो मैनी टाइम्स का एक जो है ना इशू आ जाता है। आप लोगों ने सेटिंग में आना है और यहाँ पर सर्च करना है टिकटॉक। टिकटॉक जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को क्लियर डेटा और क्लियर कैशे का ऑप्शन शो हो रहा है। इन दोनों को आप लोगों ने इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा आप लोगों को वो वाला जो है ना इशू कभी नहीं आएगा। फिर आप लोगों को वो इन दोनों के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने टिकटॉक अकाउंट को बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं और फिर आप लोगों को मैनी अटैम्प्ट वाला कोई भी इशू वगैरह नहीं आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। यही तरीका कार है, इस तरीके से आप लोग खुद टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करके इसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं और इसे अर्निंग भी कर सकते हैं।